दो शक्तिशाली राजा, दो पड़ोसी राज्य, दोनों के बीच एक अदृश्य सीमा थी जो उनके साम्राज्यों को अलग करती थी। राजा विराट वीर और न्यायप्रिय, उनका सम्मान सब करते थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श शासक मानती थी। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था और राज्य में समृद्धि का माहौल था। अश्व नदी के उस पार राज करते थे राजा दुर्जन। उनका राज्य विराट के राज्य से बिल्कुल विपरीत था। विराट से अलग दुर्जन के मन में बस लालच था। वह हमेशा अधिक शक्ति और धन की तलाश में रहते थे। उनका हृदय ईर्ष्या और शक से भरा था। वह विराट की सफलता से जलते थे और हमेशा उनके खिलाफ साजिश रचते रहते थे। साल बीतते गए एक अजीब शांति में। दोनों राज्यों में एक अस्थाई शांति बनी रही, लेकिन यह शांति स्थाई नहीं थी। दोनों राजा अलग होते हुए भी संघर्ष से बचते रहे। वे एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी स्पष्ट थी। उनकी प्रजा व्यापार करती, मेल जोल रखती। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अज्ञात खतरा दोनों राज्यों पर मंडरा रहा था। शांति की सतह के नीचे तनाव उबल रहा था। लोग अनजाने में किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। कलह के बीज जल्द ही बोए जाने वाले थे। दोनों राज्यों के बीच एक बड़ा संघर्ष होने वाला था जो उनकी किस्मत को बदल देगा। राजा दुर्जन विराट की समृद्धि से जलते थे। उनका हृदय ईर्ष्या से काला पड़ गया था। एक सांप उनके कान में जहर घोल रहा था। विराट का सुख तुम्हारी महानता का अपमान है, वह फुसफुसाता। एक दिन एक अद्भुत माणिक अग्नि की आंख प्रकट हुआ। कहा जाता था कि यह दुर्लभ रत्न अपने मालिक के लिए अपार भाग्य लाता है। यह रत्न विराट के राज्य में मिला था। दुर्जन ने मौका देखा। उसने रत्न का आधा हिस्सा मांगा, यह दावा करते हुए कि वह उसका हक है। विराट हैरान तो हुए, पर उन्होंने दुर्जन की बेतुकी मांग ठुकरा दी। वो जानते थे कि रत्न उनके राज्य का है। वो इसकी समृद्धि अपनी प्रजा के साथ बांटेंगे, किसी लालची राजा के साथ नहीं। इससे दुर्जन क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसी रात अंधेरे की आड़ में दुर्जन के आदमियों ने अग्नि की आंख चुरा ली। वो अश्व नदी पार वापस गायब हो गए। चोरी का पता चलने पर विराट क्रोधित हो गए। वो जानते थे कि अपराधी कौन है। उन्होंने कसम खाई कि वो अपना हक वापस लेकर रहेंगे। चोरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध था। विराट के दरबार में युद्ध के नारे गूंज उठे। सैनिकों ने अपनी तलवारें और कवच तैयार करना शुरू कर दिया। अपने राजा के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उनके दिल क्रोध से भरे हुए थे। हर योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। हालांकि उनके राजा शांत रहे, उन्होंने धैर्य और समझदारी से काम लिया। विराट ने दुर्जन के पास एक दूत भेजा। उन्होंने शांति की उम्मीद में यह कदम उठाया। उन्होंने चोरी हुए रत्न को वापस करने की मांग की। यह एक आखिरी प्रयास था। वो युद्ध टालना चाहते थे। शांति और समृद्धि के लिए यह आवश्यक था। वो जानते थे कि इससे दोनों तरफ दुहक होगा। युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। दुर्जन लालच में अंधा विराट की विनती पर हंसा। उसने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने अपमान और धमकियां दी। उसकी आंखों में केवल सत्ता की भूख थी। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। दोनों सेनाएं टकराने के लिए तैयार थीं।
दोनों सेनाएं अश्व नदी के पास के मैदान में भिड़ गईं। युद्ध कई दिनों तक चला। हवा, लोहे के टकराने की आवाज, घायलों की चीखें और युद्ध के नारों से गूंज उठी। दोनों पक्षों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कर्तव्य और क्रोध से प्रेरित होकर। राजा विराट, शेरों के बीच शेर, अपनी सेना का नेतृत्व साहस के साथ कर रहे थे। राजा दुर्जन, लालच और क्रोध से भरे हुए किसी भूत की तरह लड़ रहे थे। युद्ध का परिणाम अनिश्चित था। हर राजा जीत चाहता था। उनकी किस्मत इस अराजकता में उलझी हुई थी। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, युद्ध के मैदान में एक अकेला व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आया। यह राजकुमार अर्जुन थे, दुर्जन के इकलौते पुत्र। उसने अपने पिता से इस पागलपन को रोकने की विनती की। उन्होंने शांति, क्षमा और युद्ध की निरर्थकता की बात कही। दुर्जन, अपने ही अंधेरे में डूबे हुए, ने अपने बेटे को चुप करा दिया। चुप, वो गर्जे, जब तक विराट समृद्ध है और मुझे मेरे हक से वंचित रखा जाए, यह आ जाएगा। और तब तक शांति नहीं हो सकती। उन्होंने अपने बेटे को एक तरफ धकेल दिया और वापस युद्ध में कूद पड़े। राजकुमार अर्जुन अपने पिता के अंधेपन से दुखी होकर राजा विराट के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें अग्नि की आंख भेंट की। यह युद्ध पागलपन है, उन्होंने कहा, मेरे पिता के लालच से प्रेरित। कृपया इस रत्न को स्वीकार करें और हमें शांति स्थापित करने दें। विराट राजकुमार के शब्दों और साहस से प्रभावित होकर मान गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी सेना को युद्ध बंद करने का संकेत दिया। उन्होंने दोनों सेनाओं को संबोधित किया। उनकी आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उन्होंने शांति, समझदारी, लालच और नफरत को दूर करने की आवश्यकता के बारे में बात की। राजा दुर्जन विराट की करुणा और अपने बेटे की बहादुरी को देखकर पछतावे से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी क्रूरता और लालच ने उन्हें और उनके राज्य को केवल दुख और विनाश ही दिया है। पहली बार उन्होंने अपने तरीकों की मूर्खता देखी। उन्हें समझ में आया कि शक्ति और संपत्ति की अंधी दौड़ ने उन्हें अपने ही लोगों से दूर कर दिया था। वह ईर्ष्या से ग्रस्त था, अपनी ही इच्छा से अंधा था। लेकिन अब वह अपने गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस दिन युद्ध समाप्त हो गया। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और एक नई शुरुआत की उम्मीद में अपने घरों को लौट गए। दोनों राजा, जो कभी प्रतिद्वंद्वी थे, एक स्थायी शांति के लिए राजी हो गए। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का भाव विकसित किया। अग्नि की आंख विराट को लौटा दी गई, जिन्होंने दोनों राज्यों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कसम खाई। यह एक प्रतीक बन गया कि सच्ची शक्ति करुणा और समझ में निहित है। लड़ाई ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया। लालच और ईर्ष्या केवल दुख की ओर ले जाती है। यह एक सबक था जिसे सभी ने सीखा और याद रखा। शांति और समझ ही असली खजाने हैं जिनके लिए लड़ना उचित है। यह एक नई युग की शुरुआत थी, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे।